Assalamu alaikum 10th class. Today is our lecture number 4 of chapter number 4. And today we'll discuss some programs that are related to arrays and which are present in your exercise of chapter number 4. Sabse pehle jo hai program number 1 hai. Write a program that reads an array Z having 12 numbers given by the user, then print the sum and average of all array elements. Yani ek program aisa likhna hai ki jisme jo hai array name is Z और उसके जो numbers उसमें हमने store करने हैं वो 12 होने चाहिए जो कि user जो है वो input करेगा और उसके बाद उसका sum and average हमने जितने भी array के elements हैं उनका sum और average जो है वो find out करना है तो let's start with the program that is 10CLS line number 20 sum is equal to 0 क्योंकि हमने sum जो है वो find out करना है और उसको जो है वो हमने स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको इनिशियल वैल्यू देंगे एंड दैट इज सम इज इक्वल टू 0 यानी सम की जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू है वो 0 है उसके बाद लाइन नंबर 30 यहां पे हम एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग डिम स्टेटमेंट और डिम स्टेटमेंट है उसके पास जी जो है वो एरे नेम है और इसमें चूंकि 12 नंबर स्टोर करने थे तो हमने इसमें साइज जो है जो डिक्लेयर किया है दैट इज 11 11 means कि 0 से ले के जब 11 तक होंगे तो 12 numbers इसमें store हो सकते हैं उसके बाद line number 40 है for n is equal to 0 to 11 अब यहाँ पे जो है वो looping start हो रही है और start हो रही है from 0 to ले के 11 तक यानी 12 numbers जो हैं वो इसमें store होंगे अब line number 50 जो है वो हम इसमें input करवाएंगे and enter a number और इसमें जो है फिर आगे वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया है सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इसके बाद लाइन नंबर 60 इज सम इज इक्वल टू सम प्लस जी एन अब यहां पर जो है वो सम जो है वो कैलकुलेट हो रहा है और उसके बाद लाइन नंबर 70 पे जो है ये लूप जो है यहां पर फिनिश हो रहा है अब थोड़ा सा जरा मैं आपको इसका जरा समझा दूं कि ये किस तरीके से जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और इसकी प्रोसेसिंग जो है वो किस तरीके से होगी जैसे कि यहां पे लिखा फॉर n इज इक्वल टू 0 टू 11 अब जब n की पहली वैल्यू होगी 0 ठीक है तो यहां पर आपसे वो पहला नंबर पूछेगा एंटर अ नंबर अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल 4 जो है वो एंटर करते हैं तो उसके बाद साथ ही ये जो नीचे है सम की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी सम की इनिशियल वैल्यू थी 0 जब आप उसमें उसने आपने नंबर दिया उसमें 4 तो 0 प्लस 4 हो गया 4 उसके बाद जो है जब n की वैल्यू होगी 1 तो उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट नंबर जो है वो पूछेगा एंटर अ नंबर फॉर एग्जांपल आप नंबर एंटर करते हैं 2 अब उसके बाद सम की कैलकुलेशन क्या होगी कि आपके पास सम की वैल्यू थी 4 उसमें जो नेक्स्ट नंबर आपने एंटर किया 2 तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इस तरीके से जो है ये लूप जो है वो मुसलसल चलता जाएगा जब तक कि n की वैल्यू 11 होगी n की वैल्यू 11 होगी इसी तरीके से जो लास्ट 11th नंबर है 12th नंबर है वो आप इसमें ऐड करेंगे और साथ ही जो है वो लास्ट 12th नंबर जो है वो ऐड अप होगा और जैसे ही ये ऐड अप होगा लास्ट नंबर जब आएगा तो लाइन नंबर 80 पे जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर होगा और सम जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा और उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा लाइन नंबर 90 पे जिसमें जो है वो एवरेज कैलकुलेट होने के बाद साथ ही स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो होगी और स्क्रीन पर जो है वो सम और एवरेज जो है वो डिस्प्ले होगा नाउ द सेकंड प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स ये एक नंबर्स की लिस्ट है ठीक है और इसमें से जो है वो आपने प्रोग्राम में कैसा लिखना है कि जिसमें ऑड नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए अब एरेस को यूज करते हुए ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा 10CLS लाइन नंबर 20 इस हम डिम स्टेटमेंट को जो है वो यूज कर रहे हैं और इसमें एरे नेम इज ARR और जो इसका साइज है दैट इज 11 यानी कि 0 से लेके 11 तक जो है वो 12 वैल्यूज क्योंकि ये 12 नंबर्स जो हैं ये हमें दिए गए हैं तो ये 12 नंबर्स जो हैं वो इस एरे इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 12 होंगे अब लाइन नंबर 30 पे जो है वो लूप स्टार्ट कर रहे हैं फॉर का फॉर n इज इक्वल टू 0 टू 11
अब लाइन नंबर 40 पे जो है वो रीड स्टेटमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं एरे को फिल करने के लिए, रीड ए आर आर, और इसमें जो है वो एन जो है वो 0 से लेके 11 तक जो है वो इसमें वैल्यू जैसे जैसे ये लूप चलेगा तो उसमें स्टोर होती जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 50 एंड दैट इज़ नेक्स्ट एन। अब इसमें जो डाटा है वो तमाम वो नंबर्स जो के प्रोग्राम में दिए गए हैं वो इस डाटा में जो है स्टेटमेंट में हमने लिख दिए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 70 फॉर एन इज़ इक्वल टू 0 to 11, यानी ये लूप भी जो है वो 12 दफ़ा जो है वो चलेगा 0 से लेके 11 तक। अब इसमें जो लाइन नंबर 80 है इसको ज़रा गौर से अगर आप देखें तो इसमें कंडीशन दी गई है कि इफ़ ARR यानी ARR एरे जो है एन की जिसमें एन वैल्यूज़ यानी 12 एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें। अब इसमें मॉड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और आपको पता है कि मॉड ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर वो हमें शो करे, तो मॉडुलस जो है वो हम वहाँ पर जो है ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब इसमें जो पहले एरे की वैल्यू है वो अगर 2 से डिवाइड होती है और वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि इवन नंबर्स जो हैं वो 2 से टोटली डिवाइड हो जाती हैं, रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं कम्प्लीटली। तो अगर एरे की कोई भी वैल्यू जो है वो जब 2 से डिवाइड हो और वो 0 के इक्वल नहीं होती, ये है हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू देन प्रिंट एरे, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर जो है वो एरे जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो, अगर जो है ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगी। और ये जो है लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमारी लास्ट एलिमेंट लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे ही लास्ट वैल्यू को वो चेकआउट करेगा लूप हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एन पे टर्मिनेट होगा और यहाँ पर 100 पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। और जैसे जैसे ये लूप चलेगा तो इसमें से जो ऑड नंबर्स हैं जो जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, वो स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू सम एरे एलिमेंट्स, एरे ए एलिमेंट्स एंड एरे बी एलिमेंट्स, यानी हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें एक एरे है हमारा ए और एक एरे है हमारा बी। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को जो है वो हमने प्लस करना है। अब इसमें दो एरेज हैं, तो जैसे आपको बताया था कि डिम स्टेटमेंट्स में आप एक से ज़्यादा जो है वो एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 10 CLS लाइन नंबर 20 इज़ डिम, फर्स्ट एरे इज़ ए और इसका साइज़ है 2 एंड सेकेंड एरे इज़ बी और इसका साइज़ भी है 2, यानी इसके दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो 3-3 हैं 0 से लेके 2 तक। और लाइन नंबर 30 जो है इसमें जो है वो हम एरे को फिलअप करेंगे फॉर एन इज़ इक्वल टू 0 to 2, इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट एंटर अ नंबर इन एरे ए और इसके लिए जो वेरिएबल है एंड डैट इज़ ए एन। अब इसमें जो है वो एरे ए की वैल्यूज़ जो हैं वो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आप फिलअप करेंगे इस लूप से जो है वो एरे ए फिल होगा और यहाँ पर जो है वो लूप की एंडिंग हो रही है। अब जो सेकंड लूप स्टार्ट हो रहा है फॉर एन इज इक्वल टू 0 to 2, अब इसमें जो है वो एरे बी जो है वो हम फिलअप करेंगे जैसे कि इनपुट एंटर अ नंबर इन एरे बी और यहाँ पर जो है एरे बी की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें फिलअप होंगी और यहाँ पर ये लूप टर्मिनेट हो रहा है। अब थर्ड लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है इस एरे की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने कैलकुलेट करने के लिए और साथ ही स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। फॉर एन इज इक्वल टू 0 to 2 एंड लाइन नंबर 100 इज़ प्रिंट। अब यहाँ पर देखें ये पहला एरे, ये प्लस का साइन, उसके बाद ये सेकंड एरे, उसके बाद इस इक्वल टू का साइन और उसके बाद ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं जो हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस होंगी और साथ साथ स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले होंगी और उसके बाद यहाँ पे लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब जिस वक्त एन की पहली वैल्यू होगी एन इज़ इक्वल टू 0, यानी एन की पहली वैल्यू हो जाएगी 0, तो साथ में जो है वो आपकी बी और वैल्यू हो जाएगी 0, तो साथ ही जो पहला एरे है ए उसकी वैल्यू और जो सेकंड एरे है बी उसकी वैल्यू प्लस होगी और स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही जब एन की वैल्यू हो जाएगी 1 तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस होंगी और साथ ही जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी अनटिल के एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो लास्ट वैल्यू जो है वो एडअप हो के स्क्रीन पर तो वो
स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इस तरीके से ये लूप जो है वो चलेगा और आखिर में जब लास्ट वैल्यू एंडिंग वैल्यू 2 आ जाएगी तो लूप जो है वो टर्मिनेट कर देगा।